कीटों का बखान करें, सोने की चिड़िया फिर से बने, यश चारों दिशाओं में फैले। आप कुछ ऐसा काम करें, संचित हो सब अनुराग दृष्टि से, खुशियां सबके पास रहें, संविधान के पन्नों जैसा सर्वश्रेष्ठ और यशवान बने। धन्यवाद। Now, I would like to invite our chairperson ma'am to unfurl the tricolor as a symbol of our national pride. Let us all rise and pay our respect to the flag. गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर हमारे समस्त शिक्षकगण, प्रिंसिपल मैम और प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, गणतंत्र की गरिमा तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी से करें। प्रतिष्ठित भारत, आज भारत अपनी प्रतिष्ठा की चरम सीमा को छूने की कोशिश में लगा है
और ये कोशिश पूर्ण होते आप सब ने देखी और आप इसको इसी तरह से प्रतिष्ठित बनाना है जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आप सब ने देखा कि हर बच्चा हर बच्चे के हृदय में ऐसी भावनाएं पनप रही थी कि मेरा भारत महान भारत, हम इस भारत में पैदा हुए हैं और अपने भारत पे हर बच्चा गर्व कर रहा था कि वो जन्मभूमि जहां राम ने जन्म लिया वो मेरा भारत है, मेरा भारत महान है। और उसी तरह से हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, हमें किसी को बताने की आवश्यकता ना हो कि तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, तुम्हारी ये गरिमा है। प्यारे बच्चों, जब हम समस्त शिक्षक गण आपके मन में ऐसी भावनाएं भरते हैं तो आप बहुत ही ईमानदारी से उसको अपने हृदय में बसाते हो और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जब हमारे पूर्वजों ने जो भी हमें दिया, अगर हम मनन चिंतन करें तो भारत सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कभी कोई कमी नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी हमें सिखाया वास्तव में वो सब स्वर्णिम है। प्यारे बच्चों, तो आप दुनिया की इधर उधर की चमक देख के अपने आप को विचलित ना करें। अपने पूर्वजों की दी हुई समस्त ज्ञान रूपी वाणी को, वेदों को, पुराणों को सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें और याद रहे कि जितनी ज्यादा हम शिक्षित होंगे उतना ही ज्यादा हमें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी को शिक्षित करने की कोशिश करें, सदा अच्छा आचरण करें। भारत की गरिमा तभी है जब एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा भारत का शिक्षित होगा और पूरा समाज शिक्षित होगा और पूरा समाज अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस प्रफुल्लित दिन में अपने आप से, स्वयं से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आने वाले दिनों में हम अपने प्रतिष्ठित भारत की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च शिखर तक ले जाएंगे और कभी भी हम अपने कर्तव्य के निर्वाह में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यूइंग विद द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड रिपब्लिक कंट्री, आई प्रोसीड टुवर्ड्स द ट्रेडिशन ऑफ आवर रेपोस ग्रुप ऑफ स्कूल्स व्हिच इज ऑनरिंग द जेम्स ऑफ आवर स्कूल इन वेरियस फील्ड्स। वी हैव बीन ऑनरिंग द स्टूडेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, in the field of sports, in the field of academics, in singing, dancing, and therefore we are privileged to have our chairperson man here to do the honors and felicitate the wonderful gems this year of our school. The first in the list we already have is Anya Tripathi of class 7th, who is a marvelous student when it comes to singing. We hope that Anya brings more and more laurels to our school and continue to give away the melodious voice that she has and delivers the same throughout the line. Congratulations to you, Anya. Next in the list, Ash Nursery has won the award of 5 gems under the category of performing arts. Congratulations to the little wonder here. I definitely would believe on the saying that she's going to do wonders ahead in future. Moving ahead to the next category, the excellent in the field of sports, swimming, Sanju Tiwari is of class 4A and Shristi Tiwari is of class 8A. These two have won laurels for our school and have made proud in different CBSE zonal competitions held ahead. Congratulations to you both. Moving ahead, we have Prabhav Raj Nigam, who has won award in performing arts. He's an excellent sketch artist among us. Please clap for him, Prabhav Raj Nigam of class 8C. Next in the list, we have the category of academics. And the gem over here in this year is Satyaki Narayan Tiwari of class 10th D. I expect Satyaki to be a promising
student and would definitely be working ahead in the future. Next, we move forward for the winners of SOF category. In English, we have Devang Shukla, who has won gold medal of excellence. Devang Shukla, please clap for him, everyone. Darsh Prashant, Mohammed Taha Sahib, Nidal Bajpayee. Devang Shukla has won gold medal of excellence in English. Next is Mohammed Taha Sahib. Please clap for them. They are the ones who have been working really hard to achieve a mark for themselves. Nidal Bajpayee, Shailesh Chaudhary, and Yashika Khare. Congratulations to all the achievers, the zonal toppers. We have Nidal Bajpayee, Yashika Khare. Congratulations to the wonderful achievers lined up here. It is indeed a privilege to celebrate the achievements of all our dear students on this auspicious occasion of Republic Day. Congratulations to you, Yashika. I thank you, ma'am, for being the honors. Moving forward, I hand over whatever you desire or aim for on a purposeful even mere bandhugar, aaj hum sabhi yahan bahut hi mahatvapurna din manane ke liye upasthit hue hain. 26 January, hamara rashtrapal hai. Is din sun 1950 mein swatantra Bharat ka naya samvidhan lagu hua aur Dr. Rajendra Prasad ne swadheen Bharat ke pehle pad ko sambhala. Yah din pradha pratigya ka din hai. भारतवासियों के त्याग तपस्या और बलिदान को याद करने का दिन है. प्रत्येक भारतवासी का यह परम कर्तव्य है कि वह इस पर्व को अत्यधिक उत्साह और उल्लास से मनाए. भारत प्रकृति का सुंदर पाना है, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से संपन्न है. विभिन्न धर्मों का उपासना क्षेत्र है और अनेक भाषाओं का संगम स्थल है. यहाँ की प्रतिभा संपन्नता का लोहा तो पूरा विश्व मानता है. धरती से आकाश तक सफलता के नित नए आयाम स्थापित करने वाला भारत आज विकास की धारा में बह रहा है. संपूर्ण विश्व को अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करने की राह में बढ़ रहा है. अपनी स्वयं अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है. विकसित भारत का औपचारिक शुभारंभ बहुत ही प्रभावशाली है. भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की संभावना वास्तव में मनोरम है. देश की तीव्र प्रगति को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्वीकार कर सकना संभव नजर आता है. यह क्षण इच्छित विकास की अवधारणा मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है. एक राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसके साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना में होती है. देश के भावी नागरिक होने के नाते अभी हमारा दायित्व है कि हम इस धरोहर की रक्षा करें, इसका सम्मान करें. जीवन की एक एक पंक्ति को पढ़ो, दुखियों की वेदना विरक्ति को पढ़ो, मानवीय मूल्यों की शक्ति को पढ़ो, जितना पढ़ सको देशभक्ति को पढ़ो. जय हिंद, जय भारत. ओ सत्य ते मैं जावा, मेरी दिल जाड़िया, मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जाड़िया, तेरे नाम जो कर जावा कम है. Within the air.
Bangalore Senior Secondary School. I am going to speak few lines on Republic Day. Happy Republic Day. Today we celebrate the birthday of our nation. Let us reflect on the values that bind our nation together: unity, diversity, and democracy. Our country is like a family, having people from different places, languages, and traditions, but we all stand together as one. On this special day, let us remember that each one of us is an important member of Indian family. Let us promise to be good citizen, help our country to grow and shine. अब मैं आपको एक हिंदी की कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। मेरा भारत देश महान, हम बच्चे देश की शान, खूब पढ़ेंगे और लिखेंगे, करेंगे ऊंचा देश का नाम। खूब पढ़ेंगे और लिखेंगे, करेंगे ऊंचा देश का नाम। अलग अलग त्योहार यहाँ पे, अलग अलग है सबके वेश, अलग अलग है सबकी बोली, मौसम के भी रूप ने रूप रंग सब अलग अलग है, फिर भी भारतवासी एक। रूप रंग सब अलग अलग है, फिर भी भारतवासी एक। साथ में मिलके रहना सीखो, यही सिखाता मेरा देश। साथ में मिलके रहना सीखो, यही सिखाता मेरा देश। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सदन मंगल में हो। वेरी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, ऑल द टीचर्स प्रेजेंट हियर एंड माय फ्रेंड्स, आई थॉट दिस क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ह्यूमैनिटीज इज हियर टू स्पीक ऑन इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी and the model of diversity. We have had a tradition of democracy for thousands of years. Our diversity is a hallmark for a strong democracy. We consider democracy as a part of equality. We believe in truth. We believe in harmony. We believe in cooperation. And most importantly, we believe in cohesive power of society. The diversity of culture, clothes, music, food, and tradition makes democracy more vibrant. And our country has shown that democracy can deliver and has delivered. India has become more vital than ever before. In Asia, India alone stands as the most powerful country. Our country has witnessed many great events over the past years. The orbital mission to Mars held in 2013 was successfully launched by ISRO, and India became the fourth nation to reach Mars without any failure. Talking about G20, after the G20 summit held in India, India became more strong, sustainable, balanced, and witnessed inclusive growth. India is also regarded as one of the vaccine manufacturing hub of the world, contributing 60% to global vaccine supply. This shows the progress in India. Neeraj Chopra became the first Indian to clinch a gold medal in World Athletic Championship, creating history with a remarkable javelin throw of 88.88 meters. This was really a very great achievement for India. The most recent and the historic event that took place, we all know that India became the first country to successfully land Chandrayaan 3 on the south pole of the moon. The success of this mission really made all of us very proud. Seeing the progress in India, we will soon see it as one of the most developed and achieved nations of the world. So can we give a big round of applause for all the achievements and developments made by India? This sounds so low. Can we give a big round of applause for our country? Sita hamara, hamara, sare jahan se acha.
A wonderful good morning to all of you. On this very auspicious occasion of Republic Day, my heartiest congratulations and greetings to the entire nation, to all the citizens of India, to all Red Rosians, my very adorable staff and students. I would like to mention one wonderful experience I had when the entire event started. I had a few apprehensions about the weather conditions, but the moment we started the whole event, even sun god started glowing like anything. So we could understand that even sun god is trying to show his eternal presence on this Mother India and say that I am there to bless you all. The sun god, thank you so much for the conducive weather that my children, my lovely little children who have, you know, dared to be out of their houses with all the fervor, with all the might and mind to celebrate the Republic Day today. This event not only adds to our patriotism, but also adds to our pride in calling ourselves the citizens of India. But we all should strive hard and try to make ourselves more able, more capable, that India should also feel proud of us. It should be both ways. So there has to be a win-win situation, because India is only because we are, and we are because India is. So I think we all, as very important member of the society, as academicians, should also go. My call goes to all my teachers here, that we should ensure that all the children should have this instinct in mind and heart when they move out of the school, that they have to do something for our country. The children have to put their all efforts to ensure that our country rises in its graph. As our country has entered the Amrit Kaal, we all of us are very confident that we will certainly rise high in the economy, we'll rise high and become the Vishwa Guru as we have always been in internal times. My heartiest congratulations and my gratitude to all the children, to the staff members, the senior and the junior, without whose support it should have been possible. My very, very sincere regard goes to all the other branches of Red Rose Senior Secondary School, the heads of the branches, for ensuring their all-time cooperation and support to us. And last but not the least, my always very wonderful guide that I have, the management committee. Our own MD sir, founder sir, and the chairperson ma'am, whose presence had added charm to the entire celebration. That is a kind of, you know, more of a support, both mental and otherwise ethical too. Thank you everyone for being here for the wonderful celebration, for joining us. Do watch our YouTube channel for the entire, you know, review of the celebration today. Thank you so much for being here. Do ensure that you take your sweet boxes before you leave. Thank you. Thank you once again.